ईशान के बर्थडे पर होगी शांतनु की वापसी। क्या ऐसे में शांतनु बताएगा ईशान को सारा सच कि कैसे हैं सुरेखा और यशवंत? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको देखने को मिलेगा कैसे ईशान आज अपने पापा को बर्थडे पर मिस कर रहा होगा, वहीं पर शांतनु आने वाला है और शांतनु ईशान को बहुत अच्छा फील कराएगा। वहीं साइड में खड़े होकर सभी और ईशा जो है वो भी ईशान के बर्थडे को देख रहे हैं। ईशा बहुत खुश है और सभी की तारीफ कर रही है, लेकिन जिस तरह से आज ईशान बेइज्जती करने वाला है ईशा की, सभी की, और उनको वहाँ से निकलने के लिए कहा जाएगा, तो माना जा रहा है कि भाई शांतनु जो है वो सबको एक्सपोज कर देगा कि उसकी आई यानी कि ईशान की आई ईशा की कभी कोई गलती थी ही नहीं। सुरेखा यशवंत ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि ईशा को घर छोड़कर जाना पड़ा। तो चलिए बताते हैं क्या क्या होगा और सीरियल के आने वाले ट्रैक में। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं पूरा परिवार मौजूद है जहां पर ईशान के बर्थडे की पार्टी चल रही है और पूरा परिवार बहुत खुश है क्योंकि सबके सब ईशान को ऐसा फील करा रहे हैं कि बहुत अच्छा। वहीं पर आप देख सकते हैं सभी ईशा खड़ी है, जहां ईशा सभी से कहती है बाड़ा तुझे पता था ना यहां पर ये सब हो रहा है। तभी सभी कहती है हाँ मैम मैं वहां से जा रही थी तो मुझे पता चला कि यहां पर ईशान सर के बर्थडे की पार्टी रखी गई है तो मैंने सोचा आपको ले आऊं क्योंकि आप इतने दिनों बाद सर के बर्थडे में आई है। ईशा भी कहती है हाँ बाड़ा तूने सही कहा, मैं ईशान को बर्थडे पर बहुत दिनों बाद देख रही हूँ और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही वो सभी को गले से भी लगा लेती है। वहीं आप देख सकते हैं कैसे ईशान जो है सबकी बर्थडे विशेष तो ले लेता है, फिर उसे अपने बाबा की याद आती है क्योंकि पार्टी में सब है शांतनु नहीं है। तभी सबके सब उसे दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं शांतनु जरूर आएगा, और ऐसा ही होता है। ईशान खड़ा है तो वहीं पर शांतनु आता है और कहता है बेटा अगर किसी बर्थडे में मैं तेरे ना आऊं तो सोच लेना तुम्हारा बाबा इस दुनिया में है ही नहीं। ये बात सुनकर ईशान इमोशनल हो जाता है, शांतनु के पास आता है। शांतनु ईशान के लिए केक लेकर आया है, ईशान बहुत खुश हो गया है। ये सीन देखकर भी सभी ईशा दोनों बहुत खुश हो रहे हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं कैसे शांतनु ईशान को गले से लगा लेगा, लेकिन धमाकेदार ट्विस्ट तब आने वाला है जब ईशान सबके सामने ईशा की बेइज्जती करेगा कि आप तो बहुत पहले छोड़कर चली गई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कोई और नहीं बल्कि शांतनु ही अपने बड़े भाई और भाभी को एक्सपोज करेगा, यानी कि सुरेखा और यशवंत की अब फिर से क्लास लगने वाली है। जो मुखौटा उन्होंने पहन रखा है वो उतरने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से भी फॉलो करें।